हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ 5 कॉमन मिस्टेक ऑफ स्पाइक। ठीक है, तो जिनको स्पाइक के अंदर प्रॉब्लम थी उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और साथ साथ मैं स्पाइक के आपको पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले और वीडियो को आप जल्दी देख सके। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया उसको भी जाओ और फॉलो कर लो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट पॉइंट है, नॉट जंप हाई इनफ। ठीक है, मींस कि अगर आप जंप हाई नहीं लोगे तो आप बॉल को स्पाइक कैसे करोगे। तो वॉलीबॉल के अंदर सबसे पहले आपका आता है जंप, जंप अच्छा देन यू स्पाइक वेल। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक लंबा प्लेयर होता है, ठीक है, वो उसके पास एक अच्छी जंप होती है और नेट को ईजिली क्रॉस कर पाता है और जंप लेकर बॉल को हिट कर पाता है। ठीक है, और लोग इसके अंदर फिर क्वेश्चन ये पूछते हैं, सर क्या मेरी हाइट 5'4" या 5'3" है, क्या मैं स्पाइक कर सकता हूँ। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि कम हाइट है और आपका जंप अच्छा नहीं है तो आप स्पाइक नहीं कर सकते। तो जंप अगर अच्छा होगा देन यू स्पाइक ईजिली। ठीक है, तो जंप के लिए ऑलरेडी मैंने बताया है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अगर एक्सरसाइज करोगे जैसे पोलोमेट्रिक एक्सरसाइज, जंप एक्सरसाइज, जो मैंने वीडियोज़ बनाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो जंप अच्छा करो देन यू स्पाइक वेल। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फुटवर्क। अगर आपको प्रॉपर फुटवर्क नहीं है तो आप स्पाइक नहीं कर पाओगे। तो फुटवर्क मींस कि जब हम जंप लेते हैं तो उससे पहले हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्री स्टेप आता है, थ्री स्टेप अप्रोच भी आता है, फोर स्टेप अप्रोच भी आता है। ठीक है, तो थ्री स्टेप अप्रोच में हमको जंप लेना होता है, देन हमको बॉल को हिट करना होता है। ठीक है, तो पहले अगर हमारा जंप टेक्निक मतलब हमारा अप्रोच अच्छा नहीं होगा तो हम बॉल को मतलब हिट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मींस कि आप अपना जो अप्रोच है उसको सही करो। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए उसमें सबसे पहले अगर राइट हैंडेड है तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट हैंडेड है तो राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो इस फॉर्मेशन से आपको करना है। ठीक है, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करें और वीडियो को देख लो। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा वीडियो। थर्ड पॉइंट है अपना कि हाउ टू हिट अ बॉल। ठीक है, जब भी हम बॉल को लो, हमने जंप लिया, हमने सही अप्रोच ले लिया, अब हम आते हैं कि बॉल को हिट करना। तो अगर हम प्रॉपर बॉल को हिट नहीं करवाएंगे तो बॉल जाए कैसे। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर कि हाउ टू हिट अ बॉल। तो उसमें क्या होता है कि बॉल को हमें जो बॉल का जो टॉप होता है उसके ऊपर हिट करना होता है, या तो बॉल को ऊपर से हिट करो या बॉल को रोल करो। तो बॉल कहाँ जाता है, डाउन। ठीक है, अगर बॉल डाउन जाएगा तो आप ईजिली बॉल को हिट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको बॉल को, एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल, एक होता है राइट एंगल। ठीक है, तो हरदम आपको ऑब्ट्यूस एंगल से बॉल को हिट करना, बॉल के ऊपर बॉल मारना और बॉल को नीचे की तरफ डालना है। ठीक है, तो इस अगर इस टेक्निक को आप फॉलो करोगे, ठीक है, देन आप बॉल को ईजिली हिट कर पाओगे। तो इसका भी जो वीडियो है मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर अब सब चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट अगर आप वो जो टॉपिक्स हैं आप अगर उनको देखते हो, ठीक है, तो देन आपका जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व हो पाएंगी। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है आर्म स्विंग। देखो, आर्म स्विंग मतलब ये जो दोनों अपने आर्म होते हैं ना, इनका स्विंग करना। आपने कभी भी देखा होगा जब कोई प्लेयर जंप लेता है तो इनका यूज़ करता है, ये हाथ दोनों पीछे जाते हैं देन ही आगे आते हैं और इस स्टाइल से बॉल को आगे से हिट करता है प्लेयर। ठीक है, तो अगर आपका आर्म स्विंग अच्छा नहीं होगा, अगर आप गए डायरेक्ट आपने ऐसे नॉर्मली जंप लिया, ठीक है, और बॉल को ऐसे हिट कर दिया और आपने आर्म स्विंग लिया ही नहीं, आर्म स्विंग मतलब कि आप इससे पावर जनरेट कर रहे हो, ये एक तरीके से विंग होते हैं मतलब पंख लगे। अगर आप पंख को पीछे नहीं मारोगे तो आप ऊपर कैसे जाओगे। ठीक है, उसी तरीके से जब भी हम स्पाइक करते हैं तो हमें आर्म स्विंग का यूज़ करना होता है। आर्म स्विंग आपने लिया प्रॉपर, देन आपका थर्ड स्टेप आता, आप जंप लेते हो और आपका ये पोजीशन आती है, देन आप बॉल को हिट करते हो। तो आप अगर आपका आर्म स्विंग क्लियर है, ठीक है, तो आप ईजिली ज़्यादा ऊपर भी जाओगे, ठीक है, और बॉल को हिट कर पाओगे ईजिली। क्योंकि आपका अगर आर्म स्विंग क्लियर नहीं हुआ तो आप ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाओगे, आपकी जंप भी अच्छी नहीं होगी, और जब जंप अच्छी नहीं होगी आपका फिर टेक्निक भी सही मतलब बॉल्स के साथ आपका हैंड भी कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं होगा, बॉल को आप क्लियर हिट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको आर्म स्विंग आपका अच्छा होना जरूरी है जब भी आप स्पाइक करते हो। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट है अपना फॉलो थ्रू। देखो, फॉलो थ्रू से पहले आपको मैं हल्का बता दूँ, लैंडिंग, आपने अप्रोच लिया, आप ऊपर गए, बॉल को हिट किया, जब बॉल को हिट कर रहे हो देन आप नीचे आते हो, तो नीचे आते समय आपका लैंडिंग पोजीशन जो होना चाहिए, वो आपको जो नी होते हैं इनको बेंड करना है।
अगर आप बेंड नहीं करते, डायरेक्ट करते हो, तो इंजरी के भी चांस आते हैं, आपका एंकल मुड़ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी आप लैंडिंग करो तो आपको दोनों पाँव से, ठीक है, और अपने पंजे के ऊपर नीचे लैंडिंग करना हो, इनको हल्का सा बेंड करना है, ठीक है, कि आपको चोट ना लगे। तो बहुत सारे प्लेयर देखा होगा, आप वीडियोज़ भी देखते होगे, तो आप देखते हो कि एंकल मुड़ जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम होती है कि जो आपका फिट होता है वो प्रॉपर लैंड नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इसी में ही, मतलब फॉलो थ्रू। जब आप लैंड हो गए तो फॉलो थ्रू, जब आप एक्शन ले रहे हो तो आप उसको कंप्लीट करो, ठीक है। मैंने वन स्टेप लिया, टू स्टेप लिया, थ्री स्टेप लिया, फिर देन में लैंडिंग हुआ, तो लैंडिंग होने के बाद क्या होता है कि प्लेयर नीचे आता और जस्ट नेट के नीचे से जाता है। तो अब ऐसा ना है कि वो नीचे आ रहा, मुंह अपना इसमें लगा दिया, ठीक है, तो उसको पूरा वो क्लियर करना है, ठीक है, उसको नीचे बैंड हो जाना, जिसकी वजह से वो नीचे ईजिली निकल जाए नेट से, ठीक है। और नहीं निकलेगा, हो सके इसका मुंह यहाँ लग जाए, तो ये भी एक इंजरी का पार्ट बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट लेना, ठीक है, और आपको चोट ना लगे इससे बचो, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट अपना फॉलो थ्रू। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए, अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए वॉलीबॉल से रिलेटेड, तो आप उसके लिए भी कमेंट करो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो उसको ही फॉलो करो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।